तू करे रूठा रे निकोड़ा जग झूठा रे पिया तू करे रूठा रे निकोड़ा जग झूठा रे जली कोस कोस में अकेली मुझसे बूझी जाए न पहेली बिरहा बनी मोरी सहे तू कहे झूठा रे निकोड़ा जग झूठा रे मैं जागू सोते सोते जैसे मोगे लागे बदन मोरा तू नहीं हो छुआ मैं जागू सोते सोते जैसे मोगे लागे बदन मोरा तू नहीं हो छुआ मैं जो हूँ तोरी बाट बाट जले साथ साथ तेरी का दिया हो तू जो घर लाए दर्श दिखाए तू जो घर लाए दर्श दिखाए ये करवा मैं तो से लग जाऊं या तू करे रूठा रे निकोड़ा जग झूठा रे या तू करे रूठा रे निकोड़ा जग झूठा रे काटू रहना भी तोरी याद में दिन बीते मेरे फरियाद में काटू रहना भी तोरी याद में जुड़े ऐसे तार करके सिंगार गई खुद को हार वो चुपन सीने में अगर जीने में दर्द कहाँ से कहूँ ना मेरा ना उरादा का ना तू तो कैसे जीऊं या तू कहे रूठा रे निकोड़ा जग झूठा रे तेरे दरे का तेरे दरे तेरे दरे दे 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 का पिया तू कहे झूठा रे निकोड़ा जग झूठा जावेद बशीर साहब हमारे साथ फिर मौजूद हैं आपकी बहुत सारी फरमाइशों पे। मेरा तो वैसे ही दिल इतना खुश हो जाता है इनको देख के, इतने मज़े मज़े की बातें करते हैं। और आज इन्होंने हमें खिलाए हैं करेले गोश्त। इसके बहुत सारे सवाल हैं, मगर जब कुछ और मेहमान शामिल होंगे तो वो करेले गोश्त के भी सवाल करूँगी। मगर आप ये बताएं, इतनी मेरी तरफ से आपको फिर आदाब कल की तरह, और जितने व्यूवर्स हैं जितने लिसनर्स हैं उनको मेरी तरफ से छठा रमज़ानुल मुबारक, और आपको भी और जितनी ए प्लस की बेहतरीन टीम है उसको भी। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज हम अच्छे खाने के बाद सेट पर आए।
एक्चुअली सुरीला खाना था ना, इतना टेस्टफुल खाना जो खास तौर पे आप जैसे घर से आया हो तो फिर आपके तो वो तो, और करेलों के साथ वो जो आपका उंस था, आय हाय हाय। अरे थैंक यू। मैं फिजा आपको एक बात बताऊं, ओपनिंग में है, लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। ख्वाजा गुलाम फरीद हमारे बहुत सूफी बुजुर्ग थे जी, और वो अपने ज़माने में उनको ये शर्फ हासिल था कि उनको रोज़ सरकारी मदीना की ज़्यारत होती थी जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद वबारक। तो वो मैं बताता हूँ कि सुरमे होना कितना ज़रूरी है और बेसुरा होना कितनी बुरी बात है। ये मैं अदब और बेअदबी की बात कर रहा हूँ। वो कवाली सुन रहे थे अपनी महफिल में, और ये जो तबले पे आप उस दिन कर रही थी ना कि ये थौड़ी क्यों मार रहे हो तबले जी, पे जी, जी। ये देखिए कितनी मार्फत की बात है, वो तबले वाला उसको सुर कर रहा था तबले को। अच्छा। तो ख्वाजा साहब देख रहे थे उनको, आप उसको कहने लगे कि ये नहीं, उन्होंने कहा कि यार, उसको कहने लगे कि यार इसको मार क्यों रहा है, ये नहीं कहा कि सुर कर रहा है या क्या कर रहा है। हाँ। उसको कहा कि इसको मार क्यों रहा है। हाँ। तो तबले वाला कहने लगा सरकार ये बिसुरा था। तो उनको वजद हो गया कि यार अगर ये सुर में होता तो इसको मारना पड़ती। क्या बात है। तो सुर में होना कितना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, सुर में हर चीज आती है, खाना पीना बैठना उठना। नमक तेज हो जाए सालन में तो वो बेसुरा हो जाता है, बेसुरा बिल्कुल। बैलेंस बिल्कुल हो तो फिर वो मजा देता है सालन। अच्छा, करेले किस राग से ताल्लुक रखते हैं, भैरवी से, गंधेर से? ये राग राग करेलावती ये मुझे उम्मीद थी आपसे कुछ बोलेंगे। क्या कहा आपने फिर से? हाँ जी, तो आवाज नहीं आई, क्या कहा आपने? मैं व्यूवर्स आपको बताता चलूं, व्यूवर्स आपको बताता चलूं, हमारी जो फिजा अली है ना, ये इतनी अच्छा गाना गाती हैं और इतना अच्छा सुनती हैं, क्योंकि हमारी आउट ऑफ द सेट बात होती रहती है। तो कल इन्होंने आपको सुनाया भी था जंगल में मंगल, तो फसा दिया। ये बांग्लादेश की हैं, तो हम तो इनको बहुत ही मतलब ज्यादा ही एहतराम करते हैं। बांग्ला कथा बोलते पाड़ी अमी ओखा ने था कि ना? अच्छा, आपने बांग्ला कथा बोलते पाड़ी जानी? थोड़ी सी जानता हूँ। तुम्हें कथा था कि उधर नवापुर नवाखल नवाखाली नवाबड़ी, उसका उर्दू तर्जुमा कर देंगे क्या बात है, ताकि मैं समझ सकूं। बड़े मजे का गाना सुना सकती हूँ एक लाइन में बंगाली। अरे प्लीज प्लीज, एक लाइन में, और बहुत हिट गाना है। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि ये पहले बांग्लादेश में आया था और उसके बाद इंडिया ने कॉपी किया इसको, जहाँ तक मुझे पता है, विच इज ओनली था एक परदेसी मेरा दिल ले गया, ठीक है, मगर धुन वही है। बेदर में जोशना मर पाखी दिए छे आशी आशी बोले अमर कथा दिए छे, ओए बेदर क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं भाभी जाती हूँ, सीरियसली भाभी जाती हूँ आपके सामने। तो गाना एक सुरों के साथ मजाक करना है, क्योंकि हम लोग तो सीखे हुए नहीं, आप लोग उस्ताद जी हैं, बादशाह लोग हैं भाई। आप आहिस्ता आहिस्ता लग रही हैं कि आप काफी कुछ सीख के आई हैं यहाँ पहुँच गई हैं। इसी बंगाली बात के साथ मैं चाहूंगी कि जल्दी से वक्फा ले लें, उसके बाद इकरा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, इकरा के साथ जरा रेसिपी शेयर करेंगे, मगर अभी अमी छाती तुम्ही एक ब्रेक सुनो जानदा।